तो दोस्त, काफ़ी सारे यूजर्स हमसे सवाल करते हैं, अगर मेरे सारे कॉल्स को कोई सुन रहा है या फिर कोई सुन रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सारे कॉल्स कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है और हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्त, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है या नहीं, और अगर एक्टिवेट है तो उसे डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आपकी सारी कॉल किसी अदर फोन पर जाती रहेगी और कोई थर्ड पर्सन आपके सारे कॉल को सुनता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्त, मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है सुमित टॉपिक एवरीवेयर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर भीम UPI एप्लीकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी A to Z मिलेगी। सो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो दोस्त, अभी मैं आपको जिस प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी बंदा या बंदी अपनी मोबाइल फोन में चेक कर सकता है कि उनका कॉल्स किसी अदर फोन पर ट्रांसफर भी किया जा रहा है या फिर नहीं, यानी कि उनका कॉल फॉरवर्ड भी किया गया है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल फोन ले लेना और देखना, यहां पर आपको नोटिफिकेशन बार में ही दिख जाएगा, यहां पर फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स। अगर आपका कॉल फॉरवर्ड किया गया है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉरवर्ड ऑल कॉल्स। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको मोबाइल फोन में इस तरह का नोटिफिकेशन ना दिखे। अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका कॉल कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप सेटिंग में जाकर के देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना डायल पैड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो प्रोसेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ लगभग सारे मोबाइल में सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉलिंग अकाउंट, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आ जाएगा आपके सामने, कॉल फॉरवर्डिंग। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक ही सिम कार्ड लगा होगा तो आपको एक ही सिम कार्ड दिखेगा, और अगर आपका दो दो सिम कार्ड लगा होगा और दोनों में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो रखा होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में किसी ने भी कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट कर रखा है चोरी चुपके से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन पर जितनी भी कॉल्स आएंगी वो सारे के सारे कॉल्स किसी अदर नंबर पर चले जाएंगे, यानी कि आपको कॉल लगेगी नहीं। जिसने भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर रखा होगा उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉल चला जाएगा और वो कॉल रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो दोस्त अब देखिए, मैं इस मोबाइल फ़ोन से इस मोबाइल फ़ोन पर कॉल करूंगा आपके सामने, लेकिन कॉल इस पर ना आकर के इस मोबाइल फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी जो मेरे हाथ की साइड में रखा हुआ है। मैं आपके सामने देखिए, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर भी इस मोबाइल फ़ोन का नंबर आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मैं इस पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद देखिए कॉल जा चुकी है, लेकिन इस पर फ़ोन नहीं आया और उस पर देखिए फ़ोन आ चुका है, आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है ना, इस पर फ़ोन आना चाहिए था जबकि इस मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड लगा हुआ है, लेकिन फ़ोन आ चुका है इस पर। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में मैंने कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट कर रखा था, इस वजह से। ठीक है, देखिए जब भी आपके मोबाइल फ़ोन में किसी भी सिम कार्ड पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो रखा होगा, सिंपल आपको उस सिम कार्ड पर क्लिक करके चेक कर लेना है। जैसे कि मैं SIM 1 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर वॉइस कॉल एक्टिवेट हो रखा होगा तो वॉइस कॉल पर क्लिक करना है। हो सकता है वीडियो कॉल भी एक्टिवेट हो रखा होगा तो इस पर भी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है, वीडियो कॉल अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोई वीडियो कॉल करता है तो आपके मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल ना हो करके किसी थर्ड पर्सन के मोबाइल नंबर पर चला जाएगा जिसने भी कॉल फॉरवर्डिंग आपके मोबाइल फ़ोन में एक्टिवेट कर रखा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आपको सिंपल वॉइस कॉल पर क्लिक करना है। वॉइस कॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए
ऑलवेज फॉरवर्ड और फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, और यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएगा, जिसने भी यहाँ पर एक्टिवेट कर रखा होगा उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है कोई अदर नंबर, तो आप समझ जाइए कि आपकी कॉल, हर एक कॉल कोई सुन रहा है या फिर सुन रही है। हो सकता है आपकी जीएफ हो सकती है, आपका बीएफ हो सकता है, या फिर आपका कोई खास फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको नंबर दिख रहा है तो ये तो कन्फर्म हो चुकी है कि आपका सारा कॉल कोई सुन रहा है। लेकिन अब बात आती है कि इसे हम डीएक्टिवेट कैसे करें। तो दोस्त यहीं पर आपको एक बटन दिखेगा ग्रीन कलर का, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये अपडेटिंग होगा और देखिए ये बंद हो चुका है, ठीक है। बंद होने के बाद कॉल फॉरवर्डिंग आपके मोबाइल फ़ोन से डिसेबल्ड हो जाएगा और नोटिफिकेशन में भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जब इतना प्रोसेस आप कर लीजिएगा तो अगर आपका कॉल कोई सुन भी रहा होगा, इसके बाद से आपकी कॉल जो है किसी अदर फ़ोन पर, किसी थर्ड पर्सन के मोबाइल फ़ोन पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं जाएगा, और वो आपकी कॉल को नहीं सुनेगा। तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट भी है या नहीं, और अगर एक्टिवेट है तो डिसेबल्ड कैसे किया जाए। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।